इस बार टिकट कटने से खफा इटावा नगर पालिका परिषद की प्रतिशत सीट के मुकाबले रोचक मुकाबले में सपा का मुकाबला भाजपा और बसपा से है। तो बसपा का सीधा मुकाबला सपा से होता दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियां अपने अपने मुस्लिम और अन्य वोट बैंक को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। अब सपा से बेहद खफा होकर बसपा में शामिल हुए वरिष्ठ मुस्लिम नेता इदरीस अंसारी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सारा जनपद गवाह है कि मैं दशकों से समाजवादी पार्टी का एक बेहद ही कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं हमेशा से ही आदरणीय नेताजी के साथ रहा हूँ, लेकिन अब मेरी आस्था और पूर्ण निष्ठा बहुजन समाज पार्टी में है, क्योंकि मुझे इन वक्त पर पार्टी द्वारा धोखा मिला है। वहीं मुस्लिम समाज से उन्हें मिलने वाले समर्थन के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनपद का समस्त मुस्लिम समाज मेरे साथ हुए इस धोखे से समाजवादी पार्टी से बेहद ही नाराज है, जिसका खामियाजा निकाय चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे मुस्लिम समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है और जितना वोट मुझे सपा से नहीं मिलता उससे कहीं ज़्यादा वोट मुझे इस बार बसपा से मिलेगा। इदरीस जी, ये बताएं, ये आप शुरू से पूरा इटावा जानता है कि आप समाजवादी पार्टी के एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। नेताजी के समय से आप जुड़े रहे हैं, जब से वो यहाँ राजनीति उन्होंने शुरू करी थी। उसके बाद अचानक से आपका समाजवादी पार्टी से टिकट फाइनल होता है और कट जाता है, तो इसका क्या मलाल है आपको? और क्या लगता है कि बसपा से आपकी बहू जो है चेयरमैनी का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या आप लगता है कि आपसे मुस्लिम वोटर है या आपका जो पारंपरिक बसपा का वोटर है वो कैसे आपसे जुड़ेगा, कितना समर्थन मिलेगा आपको? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने हमारे टिकट को काटा है उससे तो पूरा मुस्लिम समाज बहुत ही आक्रोश में है। बहुत ही जो इन्होंने जो कदम उठाया है, जिस तरीके से पूरे समाज की बेइज्जती करी है, तो पूरा समाज जो है आहत आहत है। और हमारे समर्थन में हमसे उन्होंने कहा कि दिलीप भाई, ये घटना आपकी अकेली नहीं है, ये हमसे जुड़ी हुई घटना है, पूरे समाज से जुड़ी हुई घटना है। आप जो है पूरी ताकत से इनके खिलाफ, जो इन्होंने जो अंजाम दिया है उसके खिलाफ आप पूरी ताकत के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जो है पूरा समाज आपको सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा, और समर्थन हमें कर भी रहा है। हमारे पास तमाम मोहल्लों के सैकड़ों लोग आए, उन्होंने कहा इदरीस भाई, पूरी तैयारी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ हम जो है हम दिखा देंगे कि जिस तरीके से उन्होंने जो है विश्वासघात किया है, विश्वासघात का क्या अंजाम होता है वो सब सामने आ जाएगा। जी, अभी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है